अगर आपने अभी तक हमारा सैम मुंडे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा कर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको बेल आइकन दबा कर उसकी नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मुंडे। आज हम बात करेंगे, अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर आप इस्तेमाल करते हैं तो मेरे ख्याल से सभी लोग आज लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर तो इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग कंप्यूटर से ज़्यादा लैपटॉप इस्तेमाल करते होंगे। जिनमें से कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको पता नहीं होती, लेकिन आप उसे अपने लैपटॉप में या फिर अपने डेस्कटॉप में सेव करके रखते हैं, और उसे के बारे में अब आज मैं थोड़ी सी आपको लिए जानकारी यहाँ पे देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यदि आपके पास लैपटॉप है, हम समझ के चलते हैं कि आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे ऑफिस में या फिर हमारे घर में ज़्यादातर हम लैपटॉप से घिरे हुए रहते हैं, हम इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी कि ये सेफ्टी के लिए, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ यहाँ पे जानकारी हो सकती है जो लीक होने के बाद आप बड़ी ही दिक्कत में आप आ सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके पास लैपटॉप होगा तो आप क्रेडिट कार्ड से, आपके पास क्रेडिट कार्ड का नंबर होगा, क्रेडिट कार्ड के सब बहुत सारे से शॉपिंग करते होंगे, जैसे जो भी आप शॉपिंग करते होंगे जो भी किसी ब्राउजर से या फिर किसी तरीके से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, तो आप यहाँ पे आपके जो क्रेडिट कार्ड का नंबर है, आप जो पेमेंट करते हैं तब आप पेमेंट उसे सेव करते रखते होंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि आप यहाँ पे सेव करके, क्योंकि दोबारा आपको यहाँ पे उसी साइट पे जाके आपको पूरी डिटेल्स भरनी ना पड़ी। हम यहाँ पे क्या करते हैं, उस डिटेल के चलते सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए हम क्या करते हैं, उसे सेव करके रखते हैं, हम यहाँ पे सेव करके रखते हैं उस पेमेंट डिटेल्स को। लेकिन अब अगर आप पेमेंट डिटेल्स को सेव करते रखेंगे तो आपकी जो भी खाते की जानकारी है या फिर आपका बैंक खाता है, पूरी तरीके से साइबर यहाँ पे चोरी हो सकती है, या फिर साइबर क्राइम जो चोर होते हैं वो आपका यहाँ पे एक जरिए आपके अकाउंट पे डल्ला ही मार सकते हैं। क्योंकि अगर आपने पेमेंट डिटेल सेव करके रखी और अगर आपका लैपटॉप किसी ने आपका हैक कर लिया और आपकी पूरी जानकारी उसके पास चली गई, तो आपको ऑनलाइन शॉपिंग करते समय जब जिस साइट पे आपने विजिट की है, जिस साइट पे पेमेंट डिटेल्स आपने यहाँ पे सेव करके रखी है, उसे तुरंत यहाँ पे डिलीट कर दीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में या किसी ऐसे समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है, जो भी आपकी अकाउंट की जो डिटेल्स है, यानी जो भी आप अकाउंट की डिटेल्स है उसे आप यहाँ पे चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, यानी खुद आप एक यहाँ पे मौका दे रहे हैं उनको, जिन चोरों को, साइबर चोरों को, कि आइए मेरे लैपटॉप में आइए और घुसिए और मेरा सब कुछ ले जाइए, आप एक खुली छूट दे रहे हैं। तो आप सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो 2 या 3 मिनट लगता है एक आपकी कार्ड डिटेल्स भरने के लिए, जो भी आप जानकारी मांगी जाती है उसके लिए सिर्फ 2 या 3 मिनट लगते हैं, और उस लगते समय आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से किसी भी साइट पर आप ऐसा काम मत कीजिए जो आपके लिए थोड़ा सा जो भी धोखादायक हो सकता है। तो अगली चीज़ जो होगी वो अगली चीज़ ये है कि आप बैंक स्टेटमेंट, हर कोई आप इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल कर सकता है या फिर बैंक के जरिए आपको एक ईमेल आ सकता है कि हर महीने आपका स्टेटमेंट जो होता है, स्टेटमेंट जो बैंक का स्टेटमेंट होता है वो आप कभी ना कभी डाउनलोड किया होगा, और डाउनलोड करने के बाद वो आप देखा होगा क्या क्या होगा या क्या कितना है हमारा स्टेटमेंट, कैसा कैसा है, सब कुछ आपने देखा होगा, और उसके चलते हुए अगर आपने वही फोल्डर डाउनलोड फोल्डर में रखा होगा जो भी आपका स्टेटमेंट, जो पीडीएफ फाइल के जो आती है, जो पीडीएफ फाइल बैंक हमेशा आपके लिए हर महीने के 30 या 31 तारीख को भेज दिया जाता है कि आपने इस महीने कितना कितना आप ट्रांजेक्शन किया है, कितना पे किया, कितना क्रेडिट किया, सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स आपकी यहाँ पे मिल जाती है, और वही आपने डाउनलोड फोल्डर में रखा वाला होगा तो आपके लिए बहुत ही धोखादायक हो सकता है। क्योंकि अगर आपने आपके जो भी कंप्यूटर में अगर आपने किसी हैकर ने आपका डाउनलोड फोल्डर यहाँ पे जो हैक किया या लैपटॉप हैक किया, तो डाउनलोड फोल्डर के जरिए आपकी जो डिटेल्स है, बैंक डिटेल्स है, आपका नाम, सब कुछ, आपका शाखा, सब कुछ यहाँ पे जो फॉर्म में आता है वो आपका थोड़ा सा धोखादायक हो सकता है या एक न्योता हो सकता है जो भी हैकर्स है उन लोगों के लिए। तो मैं
थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी, जो भी आप जो अगली जानकारी हो जो कि आपको यहाँ पे नहीं रखनी है अपने लैपटॉप में, वो है कि निजी जानकारी, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, जैसे कि आपका घर का पता, जैसे आपका जन्म तिथि, जैसे कि आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स है, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स है, वो आपको यहाँ पे लैपटॉप में सेव करके या फिर किसी फोल्डर में नहीं रखने की है, क्योंकि आगे चल के जब भी आपकी साइबर की जो भी आपके जरिए आपको अगर आपके साइबर की आपका जो लैपटॉप है वो उसे कुछ हैकर हैक करते हैं, तो आपकी पूरी डिटेल्स जो होगी, जो भी आपकी जो डिटेल्स होंगी, वो उस के हैकर के पास जाएंगी और उसकी जानकारी की मदद से आपका एक जो फेक प्रोफाइल होती है, जो फेक प्रोफाइल होती है उसके जरिए आप उसका आपका एक अकाउंट बना सकते हैं और आपके आने वाले वक्त में आपको दिक्कत का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे मत रखिए, ऐसे कोई जानकारी ऐसे मत रखिए जो कि आपकी निजी जानकारी होगी, और वो निजी जानकारी के लिए ऐसे लिखे कोई रख भी नहीं सकता, लेकिन क्या करे, ऐसे हो सकता है कभी कभी हमें ज़्यादा कॉपी पेस्ट करने की आदत लगती है, किसी हमें फॉर्म फिलअप करने का, इसलिए हम कॉपी पेस्ट करने के लिए पूरी डिटेल्स का एक फोल्डर बनाते हैं और हम सेव करके रखते हैं, ऐसे हमें थोड़ी सी रहती है और बाद में हम कॉपी पेस्ट करते हैं उस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, तो ऐसा मत कीजिए। अब वो भी हो सकता है कि आपकी कोई फेक प्रोफाइल बना सकता है। तो दूसरी है जो जो प्राइवेसी होती है, जो फोटो होते हैं, जो आपके फोटो इमेज जो भी आपके जहाँ पे फंक्शन के वैसे ऐसे बहुत सारे ऐसे जो होते हैं वो उसके जरिए भी आप जो भी आपके दिक्कत में आ सकते हैं, यानी आपके हजारों एक फोटो जो आपके पास होगा, जो इसके जरिए उस प्रोफाइल जो की जानकारी ले ली होगी, उसका प्रोफाइल आपका फोटो भी ले लिया होगा और उसका वेरीफाई किया होगा, और आपकी जो फर्जी जो जो अपराध रहते हैं, फर्जी एक प्रोफाइल बना देते हैं, उसके जरिए आप कुछ गलत काम हो सकते हैं और उसके चलते आप दिक्कत के में सामना भी करना पड़ सकता है। ये कुछ चीज़ें हैं, जो चार पांच चीज़ें हैं जो आपको आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर पर्सनल यूज़ करते हैं, यानी ये जो मैंने बात बताई, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, आप ऑफिस का जो लैपटॉप यूज़ करते हैं उसमें आप ऐसी जानकारी मत रखिए। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जो भी आपके लिए आपका कंप्यूटर होगा या फिर लैपटॉप होगा, वो बहुत आदमी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए आप ऐसी जानकारी उस लैपटॉप में या उस कंप्यूटर में मत रखिए जो भी अलग अलग जो भी लोग है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप घर की जानकारी होगी तो घर के कोई मेंबर आपके बहुत सारे यूज़ करते होंगे, या फिर आपकी जानकारी जो भी है जो ऑफिस में या फिर किसी वजह से आपके जब आप काम करते हैं वहाँ पर मत रखिए। तो छोटा सा वीडियो था, जो भी आप लैपटॉप यूज़ करते या कंप्यूटर यूज़ करते तो ऐसी मत जानकारी रखिए, क्योंकि आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है कि आपकी निजी जानकारी चोरी हो गई और आपका बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अभी तक सैम मुंडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज सैम मुंडे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।